नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उन मॉलिक्यूल्स का नोमेनक्लेचर जिनमें बाईसाइक्लो या मल्टीपल साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट हो। बाईसाइक्लो कंपाउंड की अगर अपन बात करें, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स होती हैं। क्योंकि एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स होती हैं, तो हम इस तरीके के कंपाउंड्स में ये देख सकते हैं कि दो कॉमन कार्बन एटम्स ऐसे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे ये दो साइक्लिक रिंग हैं और इनमें दो कॉमन कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, इनमें भी दो साइक्लिक रिंग है और दो कॉमन कार्बन एटम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, दो साइक्लिक रिंग है और दो कॉमन कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए हम प्रीफिक्स के बाद या प्रीफिक्सेस के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं, बाईसाइक्लो, ओके, एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ये एक्स वाई जेड इंटीजर्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे ये हम डिस्कस करते हैं। फिर हम यूज करते हैं वर्ड रूट, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, जैसा कि हम पहले नोमेनक्लेचर करते हुए आए हैं, ठीक है, सफिक्स प्राइमरी एंड सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में ये कोई कंपाउंड है, बाईसाइक्लो है, तो इन कार्बन आइटम्स को जो कॉमन है इनको ब्रिजिंग कार्बन माना जाता है और जो नंबरिंग है वो यहीं से स्टार्ट की जाती है। अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो दो कार्बन से फिर ये ब्रिजिंग कार्बन आ रहा है, इस तरफ से चलें तो दो कार्बन के बाद ब्रिजिंग कार्बन आ रहा है। तो ऐसा समझते हैं कि ये तीन पाथ हैं, एक ये पाथ है ब्रिजिंग कार्बन तक जाने का, एक ये पाथ है और एक शॉर्टकट है। तो सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट रूट है वो लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर अपन देखें तो ये लॉन्गेस्ट रूट होगा, ये और ये दोनों रूट सेम है, किसी को भी हम पहले नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें ये यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट रूट ट्रेवल करेंगे, फिर शॉर्टेड रूट ट्रेवल करेंगे और फिर बाउंस करके वन से शॉर्टेस्ट पर जितने भी कार्बन आइटम होंगे उनकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये कंपाउंड दिया जाए, ठीक है, तो यहां से हम इसकी नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रूट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, शॉर्टर रूट, फाइव। अब बाउंस करके यहां पे कोई कार्बन ही नहीं है तो नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। जो एक्स है दैट इज एन इंटीजर, जो लॉन्गेस्ट पाथ में जो बीच में कार्बन आइटम्स आ रहे हैं वो, जैसे यहां पर अगर अपन देखें तो दो कार्बन आ रहे हैं तो एक्स विल बी टू, वाई, वाई यहां पर क्या रहेगा, टू रहेगा, ओके, और जेड, जेड क्या रहेगा, वन रहेगा। सिमिलरली यहां अगर अपन देखें x, x क्या आएगा, थ्री, ठीक है, थ्री कार्बन आइटम्स बीच में आ रहे हैं, y, y क्या आएगा, दो कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, टू, और z, z क्या आएगा, एक ही कार्बन आइटम आ रहा है, वन, ठीक है। यहां अगर अपन देखें x, x क्या आ रहा है, दो कार्बन बीच में ये आ रहा है, y क्या आ रहा है, इसके बीच में एक कार्बन आ रहा है, और z, z आ रहा है जीरो, ओके। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड हम मेंशन करते हैं। अब इसकी नेमिंग पर आते हैं। नेमिंग में जैसे कि अगर अपन बात कर रहे थे इस कंपाउंड का नेम हम लिखना चाहते हैं, यहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स और सेवन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो गए सेवन। नाम इसमें कोई प्रीफिक्स होगा नहीं, तो नाम कैसे लिखेंगे, बाईसाइक्लो टू डॉट टू डॉट वन, और सेवन कार्बन आइटम्स है तो क्या लिखेंगे इसमें, हेप्ट एन, ठीक है। तो हेप्ट इज द वर्ड रूट एंड एन इज द सफिक्स प्राइमरी। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था, ठीक है, नंबरिंग हमने इस तरह से की थी, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो थ्री डॉट टू डॉट वन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम एट है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट एन, ओके। तो ऑक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड रूट, एन रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी सफिक्स, बाईसाइक्लो थ्री टू वन, थ्री टू वन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द मैक्सिमम, जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें,
इसमें टू कार्बन आइटम्स हैं, ब्रिज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम इन तीन कार्बन आइटम्स को काउंट कर रहे हैं, यहां पे दो को काउंट कर रहे हैं, यहां पर एक काउंट हो रहा है. सो इसलिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 3-2-1. नंबरिंग हम करते हैं लॉन्गेस्ट, फिर शॉर्टर, फिर शॉर्टेस्ट. ओके, इसके बाद एक कंपाउंड और हमने लिखा था, इसका अगर अपन नेमिंग करते हैं. ओके, तो नेमिंग में जैसे कि हमने यहां पर नंबरिंग की, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाय साइक्लो 2.1.0, 5 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन. ओके, जैसे अगर अपन बात करें कोई सब्स्टिट्यूएंट यहां पर प्रेजेंट हो, मान लीजिए कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले, बट इसमें हम जो ऑर्डर है वो ब्रेक नहीं करेंगे. मतलब जो लॉन्गेस्ट रूट है, फिर शॉर्टर है, शॉर्टेस्ट है, उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl bicyclo 2.2.2, क्या लिखेंगे, ऑक्टेन. ओके, तो एक बार इसे आप देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं बाईसाइक्लो पर, एक बार इसे देख लीजिए. ओके, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको. क्वेश्चन नंबर 1, ओके, नेम विल बी 1-methyl bicyclo 2-2-1-heptane. ओके, इसमें अगर अपन नाम देखें, ये दोनों सेम ही क्वेश्चंस हो गए, ठीक है. इसमें अगर अपन देखें तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा 2-ethyl 3-methyl बाय साइक्लो 4-1-1-hexane. ओके, सो 2-ethyl 3-methyl bicyclo, ठीक है, सॉरी 2-1-1-hexane. ओके, इसके नेमिंग की अगर अपन बात करें, इस तरह से नेमिंग होगी, नाम हो जाएगा 1, 2 डाय मिथाइल बाय साइक्लो, ठीक है, 2-2-2 ऑक्टेन. ओके, यहां पर अगर अपन देखें तो नेमिंग हम करते हैं, ये हो जाएगा 2, 4 डाय मिथाइल. ओके, डायमिथाइल बाईसाइक्लो 1-1-0 ब्यूटेन, ठीक है, सो 2, 4 डायमिथाइल बाईसाइक्लो 1-1-0 ब्यूटेन. यहां पर अगर अपन देखें नेमिंग करते हैं हम इस तरीके से, नंबरिंग होगी,
और लॉन्गेस्ट रूट पहले ही जाएगा, साइड चेन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 5-methyl bicyclo 2-1-0, ठीक है, पेंटेन, पेंटेन, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, स्पायरो। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पायरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स होती हैं और एक कॉमन कार्बन एटम होता है। तो यहां अगर आप देखोगे ये भी दो साइक्लिक हैं मगर एक ही कॉमन कार्बन एटम है, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं प्रीफिक्स के बाद स्पायरो एक्स वाई, ठीक है, प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी, और सफिक्स प्राइमरी तक ही हमने पढ़ा भी अभी तक, सफिक्स सेकेंडरी के बारे में हमने कोई बातचीत करी भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, जो नंबरिंग होती है वो इस कार्बन को ब्रिजिंग कार्बन कहते हैं, इसके नेबर से स्टार्ट करते हैं और जो छोटा पाथ होता है उसको हम पहले कवर करते हैं, फिर हम बड़ा पाथ कवर करते हैं। तो पहले स्मॉलर रूट फिर लॉन्गर रूट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम 5 इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या 1 यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वहां पर सब्स्टिट्यूएंट किस डायरेक्शन में, मगर ये हम चेंज नहीं कर सकते। द रूल इज पहले स्पायरो में स्मॉलर पाथ फिर लॉन्गर पाथ, और बायसाइक्लो में लॉन्गेस्ट फिर शॉर्टर और फिर शॉर्टेस्ट। इसका नाम हो जाएगा स्पायरो 3.4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 8 हैं, तो लिखेंगे हम ऑक्टेन, ओके। यहां पर अगर अपन देखें इस तरीके का कंपाउंड स्पायरो है, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा स्पायरो 4.4 नोनेन, ओके, स्पायरो 4.4 नोनेन। ओके, इसकी नंबरिंग हम करें इस तरीके से कर सकते हैं, नाइन कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। इसमें भी नाम हो जाएगा स्पायरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें आ रहे हैं स्मॉलर पाथ में 3, तो यहां पर आ जाएगा 3, और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 है, तो हम लिखेंगे नो नेम, ठीक है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो हम ये रूल ब्रेक नहीं करेंगे, पहले स्मॉलर पाथ। अब मैं यहां से भी नंबरिंग कर सकता था लेकिन मैं यहां से करूंगा, क्योंकि इससे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोअर नंबर मिलेगा, ओके। तो इसका नाम हो जाएगा 1-methyl स्पायरो 4.5 ऑक्टेन, ओके। यहां पर अगर अपन देखें मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो इसमें जो स्मॉलर पाथ है ये है, तो इसकी नंबरिंग पहले ही होगी, बट हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे जिससे कि इसको 7 नंबर मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड जो भी कार्बन सब्स्टिट्यूटेड इसको 7 मिलेगा, और अगर अपन यहां से जाते 6, 7, 8 तो यहां पर 9 नंबर मिलता, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन जाते तो 6, 7, 8 तो 9th यहां पर आता, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 7-methyl स्पायरो, स्मॉलर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, बड़ी रिंग में सॉरी 4 है, और बड़ी रिंग में ब्रिज के अलावा 5 है, तो 4.5, ओके, और इसका नाम हो जाएगा डेकेन।
ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए. स्मॉलर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है और यहां पर 4 है. ठीक है, सो 3-4 ऑक्टेन. सिमिलरली यहां अगर अपन देखें तो कितने हैं, 3 है और यहां पर कितने हैं, 5 है. ठीक है, ये करेक्ट. तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं इसमें स्पायरो कंपाउंड्स पर, आप लोग अटेम्प्ट करें. ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1, नंबरिंग इस तरह से करेंगे. सिक्स मिथाइल स्पायरो 3.5. ठीक है, इसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं, 3, इसमें कितने हैं, 5. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आएंगे 9, नो नेम. इसकी अगर अपन बात करें तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे. ओके, तो नेम इसका हो जाएगा 2 मिथाइल स्पायरो 3.5 नो नेम. ओके, इसकी अगर अपन बात करें, इथाइल है या मिथाइल है, तो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे जिसमें पहले तो स्मॉलर पाथ हो गया, फिर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि इथाइल ई अल्फाबेट पहले आएगा और मिथाइल एम बाद में आएगा. तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से होगी, ई सॉरी 6 इथाइल 7 मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 8 हैं. ठीक है, स्पायरो 3.4 ऑक्टेन. ओके, इसके लिए अगर अपन नंबरिंग करते हैं स्मॉलर पाथ, फिर हम इस तरीके से एंटी क्लॉक चलेंगे. इसको हम 6 को 6 पोजीशन पर जो ग्रुप है इसको आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं. ठीक है, 6 आइसोप्रोपाइल क्या लिखेंगे, स्पायरो 3.4 ऑक्टेन. ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें दोनों पाथ एक जैसे हैं. ठीक है, दोनों में 2-2 कार्बन एटम्स हैं. ओके, तो इसका नाम अपन ऐसे लिखेंगे, स्पायरो 2.2 और टोटल कार्बन एटम 5 है, तो इसको लिखेंगे अपन पेंटेन. ओके, इसकी अगर अपन बात करें स्मॉलर रूट, अब दोनों में से कहीं भी हम चलें बात एक ही रहेगी, इधर से चलेंगे तो भी 5 आएगा, एंटी क्लॉक चलेंगे तो भी 5 आएगा. तो इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं 5.7 डाई आइसोप्रोपाइल, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5.7 बिस 1 मिथाइल इथाइल. ठीक है, बिस 1 मिथाइल इथाइल. ओके, फिर नाम क्या हो जाएगा इसमें, स्पायरो 3.5. ओके, तो इसमें कितने कार्बन आइटम्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें कितने 2 हैं, तो 2.5 और ऑक्टेन. ठीक है, क्या ये स्पायरो है, ये स्पायरो नहीं है, ये दोनों साइक्लिक कंपाउंड्स हैं. इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम इस रिंग में, तो ये मेन चेन मानेंगे, इसमें साइक्लोपेंटाइल और इसमें मिथाइल लिखेंगे.
साइक्लोपेंटाइल से सी पहले आएगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे वन साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल थ्री मिथाइल, साइक्लो हेक्स इन। तो ये कुछ बातचीत हमने करी बाईसाइक्लो की, स्पायरो की और साइक्लो की। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अल्केन का नॉमेनक्लेचर। तो अल्केन के लिए, साइक्लो के लिए, बाईसाइक्लो के लिए और स्पायरो के लिए हम लोगों ने बातचीत करी। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, फिर आगे सब्सिक्वेंटली हम स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए।